नहीं, अब थोड़ा शांत हो चुका है। बाहर भी, बाहर तो खैर रोडों पे पब्लिक आने जाने लगी है, अपने ऑफिस जा रहे हैं, मेरे भी दोनों भाई ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा अंदर का माहौल अभी भी थोड़ा गर्म है, और मैं एक बात और, बट कुछ टाइम लगता है। और देखियो, अहिंसा का तो कुछ सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। दंगे फसाद तो ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान, बट कुछ उपद्रवी है, कुछ उपद्रवी, कुछ मतलब कुछ तरह के लोग जो उपद्रवी हैं सामाजिक वो तो अफवाह कुछ फैला रहे हैं, ठीक है। वो कुछ दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं, लूट खसोट हो रही है, ठीक है। दुकानों में लूटी जा रही है, जलाई जा रही है, यही कुछ उपद्रवी लोग हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल भी सपोर्ट नहीं है इतना, पॉलिटिकल लोग भी निकल के नहीं आ रहे हैं। आपके विधायक हैं यहाँ से अब्दुल रहमान, उनका भी कोई खास बयान नहीं है इस चीज़ में जो लोगों को दिलासा दे। ऐसे टाइम पे ये भी अंदर बैठे हुए अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और मौजपुर से भी जो हमारे निगम पार्षद हैं वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं। रेशमा पहले नदीम, पॉलिटिकल लोगों को भी आकर के लोगों को लोगों दिलासा देना चाहिए, पे एक समझाना कॉन्फिडेंस चाहिए। में लेना चाहिए। जो हमारे डोगरा जी आ सकते हैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे, इतने अच्छे अधिकारी होने के बावजूद, अमित शाह से इतने अच्छे कनेक्टिविटी उनके होने के बावजूद ही वो यहाँ तक आ सकते हैं। बीजेपी वाले अभी भी इतने अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीजेपी को गलत नहीं बोलेंगे, मोदी जी को गलत नहीं बोलेंगे, कोई मोदी जी और अमित शाह दंगे नहीं करवा रहे हैं। ये लोगों की मेंटेलिटी खराब हो चुकी है सब। जो इधर से भी NRCCA के उसमें कुछ उद्वर्दी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, पीछे से बैक एंड से गलत काम करते हैं, और कुछ मोमडन्स को आगे रख के पीछे से छोटे छोटे बच्चे भी उनको अपनी आड़ में लेकर दंगे फसाद करते हैं।